तो डाउट है मैं। भारत माता की जय। बड़ी बड़ी पार्टी जिस तरीके से दावा करती है कि हमारे पास युवा शक्ति है और हमारे पास सदस्यता की जो क्षमता है, तमाम सदस्य जुड़ते जा रहे हैं पार्टियों से, लेकिन आज आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं, आम आदमी पार्टी का यूथ विंग का सदस्यता अभियान चल रहा है। और देख सकते हैं आप, यूथ विंग का सदस्यता अभियान यानी कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी तमाम पार्टियों को पीछे छोड़ती हुई नज़र आ रही है। आप मेरे ठीक राइट में देखेंगे तो युवा ही युवा आपको नज़र आएंगे, और आप जिधर भी नज़र डालेंगे ये युवा की ही पार्टी आपको नज़र आएगी, युवा ही युवा आपको नज़र आएंगे। आज काफ़ी युवाओं को पार्टी में जगह दी गई है और काफ़ी युवाओं को आज पार्टी से जोड़ा गया है, किसी को अध्यक्ष बनाया गया है, किसी को सेक्रेटरी बनाया गया है, किसी को सदस्य बनाया गया है। लेकिन जो भीड़ मैंने देखी वो युवाओं की ऐसी भीड़ थी कि शायद अगर अदर पार्टी देखेंगी तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बार विचार जरूर करेंगी। आप देख सकते हैं लगातार जो सिलसिला है वो पार्टी में लोगों को जोड़ने का बना हुआ है और कई लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है, कई लोगों को पद दिए जा रहे हैं और कई लोगों को आम आदमी पार्टी के जो सदस्यता अभियान के दौरान बताया जाता है कि भाई हमारी जो रणनीति है उसके लिए पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है, और खुद से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, खुद से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं, और कई लोगों को आज पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई गई है और कई लोगों को आज पार्टी की जो नीतियां हैं वो बताई गई हैं। यूथ विंग, आम आदमी पार्टी यूथ विंग की एक कार्यक्रम चलाया गया है, और देख सकते हैं आप विधायक कौंडली विधायक कुलदीप कुमार हैं उनके तत्वधान में, और पार्षद हैं कौन घड़ौली से संजय चौधरी, जुगनू संजय चौधरी उनके धर्मपत्री पार्षद हैं और संजय चौधरी पूर्व में पार्षद हैं। तो देख सकते हैं आप, टोपी पहनाकर, मालाएं पहनाकर, फटका पहनाकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है, और काफ़ी जो युवा लोग हैं, युवाओं युवा शक्ति को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। और आपको बता दूं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 2022 में होने वाले एनसीडी चुनाव को भी मद्देनजर रखती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से भाषण चल रहे थे कुलदीप कुमार यहाँ के जो विधायक थे उनका कहना था कि भाई 2022 में हम आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको अनुभव है, उनके जरिए हम 2022 में अब की बार एनसीडी से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं विदा कर देंगे। और क्योंकि उन्होंने एक आरोप भी लगाया आम आदमी पार्टी ने कि भाई एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है, यदि आप अपना घर बनवाएंगे, मकान बनवाएंगे, लेंटर डलवाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है तो इनका दावा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का जो खात्मा है हम उसको करेंगे। तो लगातार युवाओं को आम आदमी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कुलदीप कुमार हैं यहाँ के विधायक हैं, कौंडली विधानसभा से विधायक लगते हैं, और देखिए आप यहाँ पे संजय चौधरी भी हैं, लेकिन युवाओं का जो जोश है, युवाओं की जो टीम है वो देखिए आप पीछे नहीं हट रही है। लगातार केजरीवाल के तत्वधान में युवाओं ने पार्टी ज्वाइन करी है, और पार्टी जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया यूथ विंग में, कहीं ना कहीं उनको एक पद दिया गया है, कहीं ना कहीं यूथ विंग के अंदर उनको सदस्य बनाया गया है। तालियों से स्वागत किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी में जितने भी युवा जुड़े हैं उनका स्वागत किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के युवा विधायक है, सबसे युवा विधायक है कुलदीप कुमार, और उनके तत्वधान में पार्टी ज्वाइन करवाई गई है। भाई संजय चौधरी जी का स्वागत करेंगे हमारे साधु भाई।